हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक वीडियो में फ्रॉम शमुस बायोलॉजी। इस हिंदी वीडियो में हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम साउदर्न ब्लॉटिंग को डिस्कस किए, हम ये भी बताएं कि ब्लॉटिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में भी अगर आप देखो कि कौन कौन सी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसमें पहली जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज ब्लॉटिंग टेक्निक, मतलब ब्लॉटिंग टेक्निक है क्या। अगर आप एकदम नए हो इस फील्ड में तो आपको जानना पड़ेगा कि ब्लॉटिंग किसको कहा जाता है। इसके लिए मैं वो सेम प्रोसेस जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया वो इस वीडियो में बोल दूंगा थोड़ा सा। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, मतलब कि स्टेप्स क्या है वेस्टर्न ब्लॉटिंग या कैसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है और क्या डिफरेंस है साउदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में। हम ये जानते हैं कि साउदर्न ब्लॉटिंग किया जाता है डीएनए सीक्वेंस को लेकर, वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया जाता है प्रोटीन सीक्वेंस को लेकर, और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किया जाता है आरएनए को लेकर। मेम्ब्रेन यूज्ड फॉर ट्रांसफर, मतलब साउदर्न ब्लॉटिंग में हमने देखे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को यूज होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में भी नाइट्रोसेलुलोज यूज होता है, उसके साथ साथ पीवीडीएफ एक मेम्ब्रेन है, दूसरे तरीके का मेम्ब्रेन, वो भी यूज होता है। हम देखेंगे कि दोनों मेम्ब्रेन कब यूज होता है, क्या डिफरेंस है दोनों मेम्ब्रेन यूटिलाइजेशन में। मेम्ब्रेन ब्लॉकिंग एक स्टेप एक्स्ट्रा रहता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, जो कि साउदर्न ब्लॉटिंग में नहीं रहता है। साउदर्न ब्लॉटिंग में हाइब्रिडाइजेशन होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में भी एंटीबॉडी बाइंडिंग होता है, स्पेसिफिक बाइंडिंग इंटरेक्शन, मगर मेम्ब्रेन ब्लॉटिंग जो है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में अलग से होते हैं। डिटेक्शन क्या होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग के, कैसे डिटेक्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग और एंटीबॉडीज यूज करते हैं हम उसके लिए, कैसे एंटीबॉडी काम करता है, कौन कौन सी टाइप का एंटीबॉडी यूज होता है, सारे के सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और यूज ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग का क्या क्या एप्लीकेशन है वो भी देखेंगे। एक बात आप जानो, अगर बहुत ही सिंपल टर्म में हम कहें वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्यों करते हैं हम, मानो आपको पता है कि ब्लॉटिंग क्या है। ब्लॉटिंग एक सिंपल स्टेप जिसमें हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं। सैंपल प्रिपरेशन मतलब हम जो बहुत बड़ा सैंपल होता है, ताकि वो डीएनए का हो, आरएनए का हो, प्रोटीन का हो, उसको हम डिग्रेड करते हैं, ब्रेक करते हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट में। अभी उसको बाद उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जेल में लोड करते हैं। अगर वो डीएनए आरएनए है तो एगारोस जेल में, अगर वो प्रोटीन है तो एसडीएस सोडियम डोडीसिल सल्फेट ट्रीट करके पॉलीएक्राइलामाइड जेल में हम लोड करते हैं। प्रोटीन के लिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का जेल रहता है यहाँ। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, प्रोटीन्स, जैसे कि हम बात करें वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में, यहाँ पर प्रोटीन के बारे में डील करेंगे। तो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पर अपने साइज के हिसाब से सेपरेट होगा, है ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा, क्योंकि एसडीएस जब हम ट्रीट करेंगे प्रोटीन को तो प्रोटीन नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज जो प्रोटीन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेगा और साइज के हिसाब से वो सेपरेट हो जाएगा पॉलीएक्राइलामाइड जेल में। तो जब सेपरेट हो गया उसके बाद क्या होगा, उसका एक इम्प्रिंट ट्रांसफर होगा मेम्ब्रेन पर, है ना। क्यों हम मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं, इसके लिए आप पिछला वीडियो देखो तो अच्छा है कि मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के वजह जो है वो है कि ताकि हम इस जो जेल है, क्योंकि जेल को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हर वक्त, जेल यूजर फ्रेंडली नहीं है, फ्रेजाइल है, टूट सकता है, ब्रेक हो जा सकता है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, उसको लेके हम काम नहीं कर सकते। अगर वो ट्रांसफर हो जाए मेम्ब्रेन में तब उस मेम्ब्रेन को हम हैंडलिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना, इसीलिए हम मेम्ब्रेन में वो ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन ट्रांसफर होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए, इसे ही एक्चुअली यही स्टेप को ब्लॉटिंग कहलाता है, क्योंकि यही होता है ब्लॉटिंग जो ट्रांसफर है। क्योंकि ब्लॉट का मतलब यही होता है कि किसी एक स्ट्रक्चर मैट्रिक्स से और एक मैट्रिक्स में चिपक जाना, तो यही हो रहा है यहाँ पर, है ना। प्रोटीन जेल से जाके मेम्ब्रेन में चिपकेगा, तो कौन सी मेम्ब्रेन में, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज होता है और पीवीडीएफ मेम्ब्रेन भी यूज होता है। हम देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों मेम्ब्रेन में। मगर जो ट्रांसफर प्रोसेस है ना नॉर्दर्न और साउदर्न ब्लॉटिंग के लिए, ट्रांसफर प्रोसेस ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी होता है, मतलब वो एक कैपिलरी फोर्स काम करता है जहां से ऊपर से वेट दिया जाता है और बफर नीचे से जाके जेल से डीएनए को लेकर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में अटैच कर देता है। मगर प्रोटीन उतना आसानी से मूव नहीं करता, क्योंकि प्रोटीन का मॉलिक्यूलेट ज़्यादा हो सकता है,
तो यहाँ पर क्या करना है, प्रोटीन को जेल से अगर ब्लॉट में मूव करना है, बाइंड करना है, अटैच होना है, उसके लिए चार्ज डिफरेंस की ज़रूरत होता है। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिफरेंस होता है, जहाँ पर प्रोटीन का जो फ्रैगमेंट है वो जेल से जाके मेम्ब्रेन में चिपकेगा, ठीक है। तो जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद प्रोटीन को हम स्टेन करेंगे और देखेंगे। तो स्टेन कैसे करेंगे, ये जो प्रोसेस है, सिर्फ ये ट्रांसफ़र ही नहीं, ब्लॉटिंग का मतलब ट्रांसफ़र होता है वो हमने देखे, मगर ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, इसका और एक मकसद होता है, जो कि आइडेंटिफिकेशन, मतलब एक मिक्सचर ऑफ सैंपल आपको दिया जाए, उसमें उनमें से आपका एक टारगेट डीएनए है, आप उसका सीक्वेंस जानते हो, तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप बनाकर उस डीएनए को ढूंढ सकते हो। प्रोटीन के लिए भी सेम होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोटीन का कंसंट्रेशन जान सकते हैं, कितना कंसंट्रेशन में प्रोटीन मौजूद है ये भी पता कर सकते हैं, मतलब प्रोटीन जो टारगेट प्रोटीन है हमारा वो सैंपल में है भी या नहीं, वो हम पता कर सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। मतलब पहले तो सैंपल लेके हम एसडीएस पेज रन करेंगे, ब्लॉटिंग करेंगे, उसके बाद हम स्पेसिफिक प्रोटीन देंगे जो जाके हमारे टारगेट प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और किसी प्रोटीन के साथ नहीं बाइंड करेगा, और वो स्पेसिफिक इंटरेक्शन पॉसिबल है अगर हम एंटीबॉडी यूज करें तो, है ना। तो जब ब्लॉट तैयार हो गया, मानो कि यही इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो ब्लॉट भी ऐसा ही दिखेगा, तो यहां पर जाके एंटीबॉडी जो हम देंगे बाहर से देंगे एज ए रिएजेंट, वो जाके मानो इस दोनों जगह पर बाइंड किया, इसका मतलब ये दो हमारा टारगेट प्रोटीन है, बाकी का प्रोटीन टारगेट नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो एक ही स्पेसिफिक जगह में जाके प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, दूसरी कोई जगह पर बाइंड नहीं करता है। इस पिक्चर में अगर आप देखो तो तीन जगह पर बाइंड किया, इसके लिए हम जो स्टेन देखते हैं, बैंड देखेंगे प्रोटीन का, ब्लॉटिंग हो जाने के बाद, एंटीबॉडी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद, इसको हम कहते हैं डिटेक्शन प्रोसेस, और इस डिटेक्शन में हमें देख पाएंगे कि कहां पर जाके एंटीबॉडी बाइंड किया। हम एक बार एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं, हम दो एंटीबॉडी भी यूज कर सकते हैं, अगर एक एंटीबॉडी यूज करें तो उसे ही प्राइमरी एंटीबॉडी कहा जाएगा, और अगर दो एंटीबॉडी यूज करें तो पहले जो एंटीबॉडी बाइंड करेगा ब्लॉट प्रोटीन के साथ उसको प्राइमरी एंटीबॉडी कहेंगे, और जो सेकेंड एंटीबॉडी हम डालेंगे जो जाके प्राइमरी एंटीबॉडी के साइड बाइंड करेगा उसे हम सेकेंडरी एंटीबॉडी कहेंगे। तो चलिए हम देखें स्टेप्स को। तो स्टेप्स हमें पता चला कि हम पहले तो एक फ्रैगमेंट, प्रोटीन फ्रैगमेंट लेंगे, उसको एसडीएस पेज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे मेम्ब्रेन में, यही ब्लॉटिंग स्टेप है। उसके बाद और एक स्टेप होता है ब्लॉकिंग, मतलब कि जैसे कि एंटीबॉडी हम डालने से पहले, क्योंकि एंटीबॉडी कुछ ये तो स्पेसिफिकली बाइंड करेंगे ही, उसके अलावा भी एंटीबॉडी जाके वो जो मेम्ब्रेन है ना नाइट्रोसेल्युलोस, जहाँ पर कोई प्रोटीन नहीं है वहाँ पर भी जाके किसी टाइम पर अटैच हो सकता है। हम वॉश तो करेंगे, वॉश तो करेंगे ही, मगर हम तो एकदम स्क्रैच नहीं कर सकते मेम्ब्रेन में, हम लिक्विड वॉश करेंगे। लिक्विड वॉश में कुछ कुछ समय एंटीबॉडी ब्लैंक पेपर में भी जाके चिपक सकता है, कोई प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर भी वो अटैच हो सकता है, क्योंकि मेम्ब्रेन ऐसा ही होता है चिपकने वाला। तो यहां पर अगर प्रोटीन के अलावा एंटीबॉडी जाके कुछ दूसरी जगह पर बाइंड कर जाए तो हमें फॉल्स सिग्नल मिलेगा, मतलब जब हम सिग्नल मिलेगा हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि सिग्नल प्रोटीन से आ रहा है या बैकग्राउंड से आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बैंड डिटेक्शन करने के लिए हमें बाकी के जगह पर, ताकि एंटीबॉडी ना बाइंड हो, इसके लिए उन बाकी के जगह पर एक कोटिंग दे देना पड़ता है, उसे हम ब्लॉकिंग कहते हैं, एक कोट, वो भी एक प्रोटीन से हम करते हैं, बीएसए देते हैं, बोवाइन सीरम एल्बुमिन, या फिर केसिन जो मिल्क में रहता है, तो हम सिर्फ मिल्क दे देते हैं, केसिन प्रोटीन होता है वो ब्लॉक कर देता है, या फिर बीएसए देते हैं बोवाइन सीरम एल्बुमिन वो भी ब्लॉक कर देता है, किसी भी एक ऐसे ब्लॉकर को हम यूज कर सकते हैं यहां पर, ताकि सिर्फ प्रोटीन के जगह खाली रहे और एंटीबॉडी जब हम देंगे वो जाके स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ ही बाइंड करें। तो यहां पर आप देखो पहले स्टेप तो है कि लोड करो प्रोटीन को एसडीएस पेज में, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, किस तरफ प्रोटीन फ्रैगमेंट मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि प्रोटीन्स जो है एसडीएस ट्रीटेड है और एसडीएस नेगेटिव चार्ज ऐड कर देता है प्रोटीन के साथ। अब उसके बाद जो ट्रांसफर है स्टेप, ट्रांसफर स्टेप यहां पर होता है, उसके लिए भी वोल्टेज चाहिए होता है, नॉर्दर्न और साउदर्न ब्लॉटिंग में नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उसमें तो कैपिलरी रिएक्शन से ही हो जाता है, यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर हमें
एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेगेटिव यूज करना पड़ता है, जहां से करंट यूटिलाइज करके जेल से मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है उसको माइग्रेट करना पड़ता है। उसके बाद मेम्ब्रेन को ब्लॉक करना पड़ता है, बीए से दे के ब्लॉक कर सकती है या फिर मिल्क दे के भी ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि मैंने बताया कि बैकग्राउंड में जाके एंटीबॉडी बाइंड ना करे, है ना। तो जब वो हो जाएगा उसके बाद एंटीबॉडी ऐड करेंगे। अब ये एंटीबॉडी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ज़्यादा तौर पर दोनों एंटीबॉडी यूज़ होता है। पहले जो एंटीबॉडी हम डालेंगे उसको कहते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। मैंने कहा पहले प्राइमरी एंटीबॉडी जाके डायरेक्टली स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ ही बाइंड करेगा, मगर वो प्राइमरी एंटीबॉडी कोई रिस्पॉन्स, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, डिटेक्शन, मतलब कहाँ पर प्रोटीन है मौजूद वो हम जानना चाहते हैं, मतलब उसके लिए कुछ रिपोर्टर चाहिए, मतलब कोई डाई, कोई केमिल्यूमिनेसेंस, कोई फ्लोरेसेंस, कुछ चाहिए होता है जिसे हमें पता चले कहाँ पर जाके बाइंड किया, वो हमें मालूम नहीं होता है यहाँ पर जाके। सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी में वो ऐसा कुछ नहीं होता है। तब उसके बाद हम सेकेंडरी एंटीबॉडी देते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी जाके बाइंड करता है प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ। यहाँ पर अगर पिक्चर में देखो प्राइमरी एंटीबॉडी ये येलो कलर का, सेकेंडरी एंटीबॉडी यहाँ पर ग्रीन कलर का। सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम लगा हुआ है, उसका नाम है HRP, हॉर्स रेडिश परॉक्सीडेज। हॉर्स रेडिश परॉक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है जो केमी ल्यूमिनेसेंस, मतलब एनहेंस्ड केमी ल्यूमिनेसेंस कॉज करता है, उसको कहते हैं ECL, ठीक है। तो ये HRP एक एंजाइम जो हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि कहां पर प्रोटीन बाइंड किया है। यहां पर कोई भी फ्लोरेसेंट डाई भी हो सकता है, मतलब कि हमें इंडिकेशन चाहिए। जैसे कि हमने देखे कि सदर्न ब्लॉटिंग में यहां पर डीएनए प्रोब देते हैं, डीएनए प्रोब के साथ रेडियो लेवल फॉस्फेट होता है, उसे पता चलता है कि कहां पर डीएनए प्रोब बाइंड किया। यहां पर भी एंजाइम लगा हुआ होता है सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ, जिससे हमें पता चले कहां पर सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड किया, कहां पर, मतलब जहां पर सेकेंडरी एंटीबॉडी सिग्नल देगा वहां पर ही टारगेट प्रोटीन जो है वो मौजूद है, है ना। फिर उसके बाद आखिर का स्टेप, स्टेप नंबर 6। अब ये केमिल्यूमिनेसेंट HRP जो है, हॉर्स रेडिश परॉक्सीडेज सबस्ट्रेट, ये एक एंजाइम है, तो इसका सबस्ट्रेट भी हमें डालना है। बाहर से हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो ये कन्वर्ट करके एक इमेज बनाएगा जिसको हम फिल्म में कैप्चर कर सकते हैं। उस फिल्म में हमें ऐसे ब्लैक डॉट्स मिलते हैं, वाइट, मतलब ग्रे फिल्म में ब्लैक डॉट्स की तरह हमें रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर देखो, रिजल्ट में देखो तो आप यहाँ पर देखो बहुत डार्क बैंड, फेंट बैंड, बहुत ही फेंट बैंड, इसका मतलब होता है यहाँ पर टारगेट, ये सारे बैंड मतलब ये टारगेट प्रोटीन का ही बैंड है। उनमें भी जो डार्केस्ट बैंड है इसका मतलब यहाँ पर टारगेट प्रोटीन का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम है, इतने लिए डार्क बैंड, फेंट बैंड मतलब कंसेंट्रेशन कम हुए, ये सब है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है वेस्टर्न ब्लॉटिंग के। अभी क्वेश्चन है कौन कौन सी मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं। मैंने बताया कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, वहां पर हम नाइट्रोसेलुलोज यूज करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में भी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं, इवन बहुत सारे वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस में हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज करते हैं, एंड स्पेशली सपोर्टेड नाइट्रोसेलुलोज यूज करना पड़ता है जब वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। मतलब दोनों तरीके का नाइट्रोसेलुलोज का मेम्ब्रेन होता है, सपोर्टेड अनसपोर्टेड। जो अनसपोर्टेड है उसमें सिर्फ मेम्ब्रेन ही होता है, और सपोर्टेड जो होता है उसका मतलब है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के साथ एक इनर्ट मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और भी स्ट्रांग बन जाता है। इतना स्ट्रांग कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो सपोर्टेड है, जैसे कि वो इनर्ट मटेरियल के साथ बना हुआ है, उसका कोई केमिकल रिएक्शन तो होगा नहीं, मगर वो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकता है। मतलब 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप उसको हीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनता है। और ऐसे सपोर्टेड नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इसको आप बफर से भी गीला कर सकते हो या फिर वाटर से भी गीला कर सकते हो। दूसरे तरीके का जो है PVDF, पॉलीविनाइलिडिन डाइफ्लूराइड मेम्ब्रेन, PVDF, ये
कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए यूज होता है, जिसे कहते हैं एन टर्मिनल सिक्वेंसिंग। जो हम प्रोटीन सिक्वेंस करते हैं ना, एन टर्मिनल सिक्वेंसिंग एक प्रोसेस है, केमिकल सिक्वेंसिंग। उस केमिकल सिक्वेंसिंग के लिए पीवीडीएफ मेम्ब्रेन यूज करते हैं, और इस मेम्ब्रेन का कुछ अलग फीचर है। पीवीडीएफ मेम्ब्रेन एसिड और एल्कली का जो प्रेशर है उसको हैंडल कर सकता है, और ज्यादातर जो जो इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री है, इम्यूनो ऐसे होता है वहां पर, इलाइजा और दूसरे जो टेक्निक है जहाँ पर इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री में बहुत सारे जगह पर हम डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं, वहाँ पर पीवीडीएफ बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि एसिड ट्रीटमेंट टेम्परेचर वेरिएशन में बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी दिखा सकता है। मगर इसको गीला करने के लिए स्पेसिफिकली मिथेनॉल चाहिए होता है, 100% मिथेनॉल पहले से पीवीडीएफ मेम्ब्रेन में डालना पड़ता है। अदरवाइज पीवीडीएफ मेम्ब्रेन एसडीएस पेज जो जेल है वहां से प्रोटीन को बाइंड नहीं करेगा। इसका एक वेटिंग स्टेप होता है, वेटिंग के लिए 100% मिथेनॉल ट्रीट करना पड़ता है इस मेम्ब्रेन को, जो नाइट्रोसेलुलोज जरूरत नहीं होता है। नाइट्रोसेलुलोज में नॉर्मल बफर से काम चल जाता है, वाट पानी से काम चल जाता है, मगर पीवीडीएफ में 100% मिथेनॉल से ही वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है। मगर एसिड एक्सपोजर में, बेसिक कंडीशन में, और किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कंडीशन में अगर डालो तो पीवीडीएफ बहुत अच्छा काम करता है। मेम्ब्रेन ब्लॉकिंग जो एक नया स्टेप है, मैं पहले ही बता चुके हैं क्या क्या मेम्ब्रेन ब्लॉकिंग होता है। मतलब मानो कि यहाँ पर एगरोस जेल हो गया, यहाँ पर बैंड मिला है, मैं बैंड दे देता हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर जब एंटीबॉडी ऐड करेंगे, एंटीबॉडी तो मानो ये टारगेट प्रोटीन यहाँ पर बाइंड करेगा, उसके साथ साथ दो तीन अलग जगह पर बाइंड किया जहाँ पर कोई प्रोटीन है ही नहीं, तो अब क्या हुआ, ये बैकग्राउंड में भी हमें एक इंडिकेशन मिलेगा, तो इस बैकग्राउंड नॉइज़ के वजह से हमें पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली कहाँ पर टारगेट प्रोटीन है। हमें लगेगा कि शायद यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लॉकिंग स्टेप जहाँ पर मिल्क या फिर बोवाइन सीरम एल्बुमिन जब हम डालेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो जाके सारे के सारे जो जो जगह है जहाँ पर प्रोटीन है नहीं वहाँ पर जाके वो बाइंड कर जाएगा। तो जब हम एंटीबॉडी देंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी जाके सिर्फ वही जगह मिलेगा प्राइमरी एंटीबॉडी को जहाँ पर प्रोटीन बाइंड किया हुआ है, बैकग्राउंड में बाइंड नहीं करेगा, है ना। तो यही ब्लॉकिंग कहलाया जाता है। हम आइदर प्रोटीन हम मिल्क ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान होता है उसे ढूंढना, अदरवाइज बोवाइन सीरम एल्बुमिन यूज़ करने पर वहाँ पर भी एक प्रोटीन है, उसके साथ साथ एक थोड़ा बहुत डिटर्जेंट जो 20 डिटर्जेंट होता है, वेरी स्मॉल परसेंट ऑफ दैट बीएसए के साथ यूज़ कर सकते हैं, या फिर केसिन प्रोटीन जो मिल्क में रहता है, तो सिर्फ मिल्क डाल दो तो भी काम हो जाता है। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है डिटेक्शन से पहले, तो इसके बाद आता है डिटेक्शन। अभी डिटेक्शन में क्या होता है, देखो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम जेल से तो शीट में ट्रांसफ़र कर लिए, उसके बाद ब्लॉकिंग भी कर लिए, एंटीबॉडी ऐड किए, प्राइमरी एंटीबॉडी वॉश कर दिए, सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड किए जिसके साथ एंजाइम एडेड है, उसके बाद हम उसका सब्सट्रेट डालेंगे और वो कलर इंडिकेट करेगा, उसके बाद हम जो फोटोग्राफिक फिल्म जनरेट करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि टारगेट प्रोटीन कहाँ पर मौजूद था। तो ये डिटेक्शन के लिए जो एंटीबॉडी इंटरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा तौर पर दोनों इंटरेक्शन हमें नज़र आता है यहाँ पर, एक तो प्राइमरी एंटीबॉडी जिसे फर्स्ट डिग्री एंटीबॉडी भी कहा जाता है, वो डायरेक्टली टारगेट प्रोटीन के साथ बाइंड करा हुआ है, और दूसरे है सेकेंडरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसके साथ एंजाइम लगा हुआ है। सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी रीजन पर बाइंड किया हुआ है ना। तो यहां पर दोनों मिला के बात ये बनता है कि सेकेंडरी एंटीबॉडी जो डिजाइन होता है वो प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट, और प्राइमरी एंटीबॉडी जो डिजाइन होता है वो प्रोटीन के अगेंस्ट। तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी, इसको 2 डिग्री एंटीबॉडी भी कहा जाता है, और सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐसा एक एंटीबॉडी है जिसके साथ जो है एंजाइम लिंक हुआ होता है, इसे हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी भी कहलाते हैं। और ये बहुत सारे टेक्निक्स में यूज होता है, RIA, इलाइजा, बहुत सारे इम्यूनो इम्यूनोलॉजिकल डिटेक्शन टेक्निक्स में यूज होता है, क्वांटिटेटिव एसेज में यूज होता है, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉटिंग सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव एक ऐसे है, एमस्ट्रॉन्ग लेवल तक का प्रोटीन, नैनोग्राम लेवल तक, सॉरी नैनोग्राम लेवल तक का प्रोटीन
डिटेक्शन ये कर सकता है, ठीक है, मगर उससे नीचे का नहीं होता है, उसके लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करना पड़ता है बाद में। मगर ये है आइडिया, दोनों तरीके का सेकेंडरी एंटीबॉडी को दिखाया गया यहाँ पर। एक तो ये फ्लोरोक्रोम को ऐड हो सकता है या फिर ये एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है। इन दोनों केस में ही अगर फ्लोरोक्रोम ऐड होता है तो फ्लोरोसेंस देगा, अगर एंजाइम जैसे कि परोक्सीडेज है तो केमिलुमिनेसेंस प्रोवाइड करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कहाँ पर टारगेट प्रोटीन है। और ज़्यादा तौर पर हम जो एंटीबॉडी यूज़ करते हैं वो आइदर माउस के अंदर या फिर रैबिट के अंदर तैयार होता है, माउस और रैबिट, सो एंटी माउस और एंटी रैबिट एंटीबॉडी हम जनरेट करते हैं यहाँ पर और यूज़ करते हैं। तो यूज़ क्या है वेस्टर्न ब्लॉटिंग के, अगर ज़्यादा तौर पर एक सबसे बड़ा जो बात वेस्टर्न ब्लॉटिंग का हमें पता चलता है कि कौन सी प्रोटीन मौजूद है, कौन सी कंसेंट्रेशन में मौजूद है। मैंने अभी बताया नैनोग्राम लेवल तक का प्रोटीन डिटेक्शन वेस्टर्न ब्लॉटिंग बखूबी निभा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग का। यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम लिया गया है, कन्फर्म टेस्ट ऑफ HIV में यूज़ हो सकता है, डेफिनेट टेस्ट फॉर बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी जिसको मैट काउ डिजीज कहलाते हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिसको प्रायन बेस्ड डिजीज़ है क्योंकि प्रायन प्रोटीन है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लाइम डिजीज़ में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन का कन्फर्म टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, और वेटरनरी मेडिसिन में भी बहुत सारे डिजीज़ को ट्रैक डाउन करने में यूज़ करते हैं। तो किसी भी डिजीज़ जो फॉल्टी प्रोटीन के वजह से बने उस सारे डिजीज में वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज हो सकता है, क्योंकि इसका जो मेजर एप्लीकेशन है वो है प्रोटीन का कंसंट्रेशन और प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन को बताना हमें, और वो हम यूज कर सकते हैं बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट में। तो यही बात होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग का, डिफरेंस भी मैंने बताया वेस्टर्न ब्लॉटिंग और साउदर्न ब्लॉटिंग के। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, ठीक है, थैंक यू।